ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 15वां सप्ताह है, 15वां रविवार है। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके जीने का कोई मकसद न हो, जो बिना किसी उद्देश्य से जी रहा हो? जी नहीं, हर एक इंसान का जीने का कुछ न कुछ मकसद है। कोई डॉक्टर बनकर जीता है, कोई किसान बनकर जीता है, कोई ड्राइवर बनकर समाज की सेवा करता है, और कोई दूसरे अन्य किसी दूसरी तरह से। तो ये जो जीने का तरीका है, ये जो जीने का उद्देश्य है, उसी को हम बुलाहट कहते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ तरह की, किसी न किसी तरह की बुलाहट ज़रूर मिली है, और ये सारी बुलाहटें जो है, इन्हीं के लिए इंसान जीवन जीता है। और उन सबसे जो बड़ी बुलाहट है, जो सबके लिए सामान्य बुलाहट है, सबके लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बुलाहट है, वो है प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार की बुलाहट। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सुसमाचार प्रचार की जिम्मेदारी, धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी सिर्फ समर्पित जीवन जीने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। सुसमाचार का प्रचार करना सिर्फ फादर, सिस्टर और धर्म भाई बहनों का काम है। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ फादर, सिस्टर गण या धर्म संघी लोग ही सुसमाचार का प्रचार करें। उनकी शरण में जो भी आए, जिन्होंने भी प्रभु यीशु का अनुसरण किया, उन सबको प्रभु यीशु ने यही जिम्मेदारी दी कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यानी कि सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और माता कलीसिया भी हमें वैटिकन महासभा, द्वितीय वैटिकन महासभा में यही बताती है कि प्रत्येक क्रिश्चिय की जिम्मेदारी है सुसमाचार का प्रचार करना। और यह जिम्मेदारी हमें, जैसे ही हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यह जिम्मेदारी भी हमें मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी कैसे करें? कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसान है, और कोई कुछ और कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य करते हुए भी सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए, उसका जवाब हम आज के दूसरे पाठ में सुनते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि इस संसार में निष्कलंक और पवित्र बने रहें, यानी कि इस चुनौतीपूर्ण संसार में निष्कलंक और पवित्र बने रहकर जीवन जीने से बढ़कर सुसमाचार प्रचार और क्या हो सकता है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण संसार में ऐसा जीवन जीना जितना कहना आसान है, उतना ही ऐसा जीवन जीना कठिन है। क्योंकि प्रभु यीशु भी स्वयं कहते हैं आज के सुसमाचार में, जब वे अपने शिष्यों को दो दो करके सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते हैं, तो वो ये नहीं बताते कि उन्हें किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार करना है या क्या लोगों को सिखाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर लोगों को मेरे दृष्टांतों का अर्थ समझाओ, या जाकर मेरी शिक्षाओं को सुनाओ, या जाकर मेरे चमत्कारों के बारे में लोगों को बताओ। जी नहीं, प्रभु यीशु उन्हें इस ओर इंगित करते हैं कि उन्हें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार के जीवन द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य देना है। उन्होंने कहा कि रास्ते में लाठी के सिवाय कुछ भी मत ले जाओ, यानी कि हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहते हुए जीवन जीना है, और वही हमारे लिए सुसमाचार प्रचार का सबसे बड़ा कार्य है। आज की दुनिया एक उपभोक्तावादी दुनिया है, यानी कि हमारी सुख सुविधा की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हैं, और ऐसे में सादा जीवन जीना, कठिन जीवन जीना, पवित्र और निष्कलंक जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीना वास्तव में एक कड़ी चुनौती है। और इसके लिए माता कलीसिया सबसे बड़ा जो साधन है, सबसे बड़ा मददगार है हमारे लिए ऐसा जीवन जीने में। प्रभु यीशु ने स्वयं विभिन्न संस्कारों की स्थापना की है,
ताकि हमें ऐसा पवित्र और निष्कलंक जीवन जीने के लिए उन संस्कारों द्वारा शक्ति और साहस और प्रेरणा मिलती रहे। उदाहरण के लिए हम पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हैं, पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं ताकि उनको धारण कर हम उनका साक्ष्य दे सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आज की इस दुनिया में पवित्र और निष्कलंक जीवन जीने की जो हमारी बुलाहट है उसे सच्चे अर्थों में जीने की कृपा करें। आमीन।